हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। न्यू वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ गाइस, रवे की इडली। रवे की इडली बनाने के लिए मैंने आधा किलो रवा लिया है और उसको बड़े से परात में डाल देंगे। और डालने के बाद इसको इस तरीके से रखना है कि जो बड़े से अच्छे से पानी जब पड़ेगा तो खूब अच्छे से आराम से भीगने लगे। तो इस तरीके से इसमें मैंने लिया है खट्टा दही, और खट्टे दही को इसमें मिक्स कर देंगे। और रवे में पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है, तो इसमें पानी जो है मैंने इसमें 2 गिलास ऐड किया है। और इसका गाढ़ा बैटर तैयार करना है, और गाढ़ा बैटर ही जैसे आप पकौड़ी के लिए बनाते हैं थोड़ा सा गाढ़ा, उसी तरीके से आपको घोल तैयार करना है। और घोल तैयार करने के बाद इसको आधे घंटे के लिए रवे को फुलाने के लिए रख देंगे। तो रवा थोड़ा सा टाइम लेता है जो कि मोटा होता है, चाहे तो आप मिक्सर में ग्राइंड कर सकते हैं तो और भी ज़्यादा मिक्स महीन हो जाएगा। तो मिक्सर में ग्राइंड नहीं किया है मैंने, और इस तरीके से मैंने रख दिया है आधे घंटे के लिए। और इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, नमक की क्वांटिटी परफेक्ट रखनी है। और इसमें 1 टीस्पून चीनी, चीनी नहीं है तो आप बूरा पिसा हुआ बूरा ले सकते हैं, तो इस लीजिए। मैंने इसको ढककर रख दिया है आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हो गया है तो रवा अच्छे से भीग चुका है, और फिर जब इसके दाने अच्छे से फूल जाते हैं तो इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चीनी, आधा टीस्पून मैंने रवा डाला, बूरा डाला था, और आधा टीस्पून मैंने चीनी डाला है। और इसमें डाला है 1 गिलास पानी। आधा किलो रवा में कम से कम 3 गिलास पानी ऐड हो जाता है। अब इसमें डालेंगे मीठा सोडा, मीठा सोडा की क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी है, ज़्यादा डालेंगे तो ये कड़वा हो जाएगा। इस तरीके से परफेक्ट मैंने चलाते जाएंगे। थोड़ा सा बैटर गाढ़ा लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे, और इसमें जो लम्स हैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फेंट लेंगे। लास्ट में लेना है गैस इनो, इनो डालने के लिए आपको जब पहले गैस पर कुकर गर्म करेंगे बाद में डालना है। जब तक कि मैं स्टैंड लिए हैं इडली बनाने के लिए, तो इडली के जो खांचे इस तरीके से होते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कटोरी, छोटी छोटी कटोरियाँ भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें मैंने लगा दिया है ऑयल। कुकर में डालेंगे 1 गिलास पानी, गैस को ऑन करके पानी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब इसमें हीट निकलने लगेगी, वॉल आने लगेगी, इसके बाद ही आपको इडली का रखना है। कुकर थोड़ा सा बड़ा लेना है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने बैटर को अच्छे से फेंट लिया है। लास्ट में प्रोसेस डालेंगे इसमें इनो, इनो डालने के बाद इडली का पेस्ट बहुत ही ज़्यादा हल्का हो जाता है, और जितना हल्का होगा फिटने से उतनी ही इडली आपकी बहुत ही ज़्यादा फूलने वाली है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बैटर ना थोड़ा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है, परफेक्ट बैटर तैयार हुआ है। और जब इसको चलाएंगे, चलाने के लिए आपको बहुत थोड़ा समय देना पड़ेगा। तो अब आप इस तरीके से जब अच्छे से चलाया है मैंने, तो ये बैटर बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। तो आधे घंटे में आप इडली बना सकते हैं, और इसको भीगने के लिए आधे घंटे का टाइम चाहिए। रवे की इडली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी स्वादिष्ट बनती है। इस तरीके से सारे इडली के खाँचों में, और 1 चम्मच बैटर डाल देंगे, बस थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फूलने के बाद थोड़ा सा बड़ा हो जाएगी। और मैंने कुकर का ढक्कन जो है उसकी रबड़ और सीटी निकाल दी है, और जो कुकर बड़ा कुकर लिया है मैंने, तो स्टैंड अच्छे से आ जाए इसके अंदर, तो इसके अंदर जो मैंने इडली स्टैंड में रखी है तो वो इसके अंदर रखेंगे। पानी को थोड़ा कम रखना है, समथिंग 1 गिलास पानी रखना, नहीं तो इडली भीग जाएगी। तो नीचे का जो स्टैंड है तो वहाँ पर इडली ख़राब होने के चांसेस हैं, इसलिए तो अच्छे से रख देंगे। और रखने के बाद इसको ढक्कन से ढक देंगे। ढक्कन नहीं लगाना है गाइस, इसी तरीके से आपको रखना है। तो इस तरीके से 15 से 20 मिनट में आपकी इडली परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि इडली को खोल के देखेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे, और निकालने के बाद इस तरीके से आप मैंने थाली में रख लिया है और इसको सर्व कर लिया है। और गाइस, इडली बनकर तैयार हो गई है, फूली फूली इडली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू भाई, राधे राधे।